मोदी के अमेरिका दौरे में शामिल है कैलिफोर्निया में गूगल के दफ्तर का दौरा, जिसे एक बार देखने के बाद आप भी कहेंगे कि इससे बेहतर कोई दफ्तर नहीं देखा। गूगल के पहले भारतीय मूल के सीईओ सुंदर पिचाई ने खुद दिया है नरेंद्र मोदी को ये न्योता, और इसी के बाद मोदी के अमेरिका दौरे में शामिल हो गया है कैलिफोर्निया में गूगल के दफ्तर का दौरा, जिसे एक बार देखने के बाद आप भी कहेंगे कि इससे बेहतर कोई दफ्तर नहीं देखा। इट्स एन ऑनर टू बी वेलकमिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी टू सिलिकॉन वैली दिस कमिंग वीकेंड। देयर इज ट्रेमेंडस एक्साइटमेंट फॉर योर विजिट अमंगस्ट ऑल गूगलर्स एंड द एंटायर इंडियन कम्युनिटी। प्राइम मिनिस्टर मोदी, वेलकम टू सिलिकॉन वैली। वी होप योर विजिट विल एनर्जाइज पीपल इन द वैली, excite Indians all across the country, and renew and strengthen our partnership. अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट सर्च इंजन गूगल पर जैसे ही आप कुछ खोजना शुरू करते हैं, आपका रिश्ता कैलिफोर्निया में मौजूद गूगल के इस हेडक्वार्टर से जुड़ जाता है। लेकिन यहाँ क्या होता है और कैसे, ये आप नहीं जानते, तो हम बताते हैं। यह है कैलिफोर्निया में गूगल के दुनिया भर में 70 दफ्तरों के बीच तालमेल बिठाने वाला हेडक्वार्टर। करीब 10 लाख स्क्वायर फुट में फैला यह दफ्तर गूगल का दूसरा सबसे बड़ा ऑफिस है। ये कितना बड़ा है ये समझने के लिए बस इतना जानना काफी है कि 3 बड़े स्टेडियम के बराबर है ये दफ्तर। अब जरा अंदर चलिए, आपको दफ्तर जैसा नजारा मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये दफ्तर कुछ इस तरह से बनाया गया है कि आपको घर जैसा महसूस हो। 16 इमारतों से बना यह दफ्तर दुनिया में सबसे आजाद दफ्तरों में गिना जाता है। यहाँ आप अपने बच्चों के साथ भी आ सकते हैं, क्योंकि उनके लिए खेलने की सुविधा है, वो भी देखरेख करने वाले कर्मचारी के साथ। यही नहीं, अगर आपके पास पालतू जानवर हैं तो उन्हें भी यहाँ ले आइए, गूगल एतराज नहीं करेगा। लोग यहाँ इसलिए काम करना चाहते हैं क्योंकि इसके बाद उन्हें घर का काम निपटाने की चिंता नहीं होती। यकीन नहीं होता तो ये देखिए, गूगल की लॉन्ड्री सर्विस। अपने गंदे कपड़े लाइए और घर लौटते वक्त साफ कपड़े ले जाइए। खाना पकाने का भी झंझट गूगल पर ही छोड़ दीजिए, यहाँ दिन में 3 बार मुफ्त खाना दिया जाता है। ऐसी 4 बड़ी कैंटीन में आपको अपना मन पसंद खाना मिलता है। अंदर खाना हो तो भी ठीक, और अगर खुली हवा में ग्रिल्ड व्यंजनों का मजा लेना हो तो भी पूरा इंतजाम है। क्वालिटी ऐसी कि आप गूगल के बाहर ऐसा खाना तलाशते रह जाएंगे। हजारों कर्मचारियों को खाना परोसने के लिए फल और सब्जियां भी गूगल बाहर से नहीं खरीदता। देखिए, गूगल के इस कैलिफोर्निया वाले परिसर के हेड शेफ खुद सब्जियां उगाने में जुटे रहते हैं। खाना खाएंगे तो वजन बढ़ेगा, तो गूगल के जिम में चले आइए, चर्बी को पसीने में बहाइए और फिर गूगल के पूल में डुबकी लगाइए। मन नहीं लग रहा तो इन अलग अलग डिजाइन के कैबिन में बैठकर म्यूजिक का आनंद लेने की भी सुविधा है। गूगल के दफ्तर का अपना मसाज पार्लर भी है, और जरूरत से ज्यादा काम करने के बाद सोने की ऐसी हाईटेक सुविधा भी है। अगर इसमें दम घुटता है तो फिर यहां सोकर हो जाइए तरोताजा। दूसरे हिस्से में जाने के लिए वही बोरिंग लिफ्ट नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो इस फायर पाइप का इस्तेमाल कीजिए, या फिर ऐसी स्लाइड का। अगर एक इमारत से दूसरी इमारत में जाना हो तो पैरों को कष्ट देने की जरूरत नहीं है, गूगल की ये रंग बिरंगी साइकिलें कब काम आएंगी। और हां, अगर आप सोच रहे हैं कि पैसा कमा के कार खरीदेंगे तो आपको उसकी भी जरूरत नहीं है। गूगल के रिसेप्शन से इलेक्ट्रॉनिक चाबी उठाइए, पार्किंग में खड़ी गूगल की इन शानदार कारों में किसी से भी निकल जाइए, काम हो जाए तो वापस कार खड़ी कर दीजिए, गूगल ईंधन का पैसा भी नहीं लेगा। इन सुविधाओं पर गूगल सालाना 500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करता है, और वो इसलिए क्योंकि उसे अपने कर्मचारियों की फिक्र करनी आती है। यही वजह है कि गूगल के दफ्तर में ही हॉस्पिटल भी है, जहां मुफ्त में इलाज होता है। यहाँ के कर्मचारी न तो हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं और न जीवन बीमा, क्योंकि अगर किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मौत हो जाए तो परिवार को गूगल अगले 10 साल की तनख्वाह मुफ्त देता है। गूगल का ये दफ्तर इतिहास से भविष्य का नाता भी जोड़ता है। लाइब्रेरी आपको इतिहास के गलियारों में ले जाएगी तो दफ्तर का फर्नीचर किसी स्पेसक्राफ्ट जैसा एहसास देगा। यही वजह है कि गूगल को दुनिया भर से बेहतरीन कर्मचारी ढूंढने में दिक्कत नहीं होती। हर 15 सेकंड में नौकरी के लिए एक नई एप्लीकेशन गूगल के इस दफ्तर में पहुंच जाती है। नौकरी की एप्लीकेशन हो या फिर वो डेटा जो आप अलग अलग साइट पर देखते हैं और सेव करते हैं, वो गूगल के दफ्तर में मौजूद इसी डेटा सेंटर का हिस्सा बन जाता है। ये पूरी तरह ऑटोमेटिक है।
जो हिस्सा खराब हो जाता है गूगल उसे ठीक नहीं करता बल्कि तोड़कर फेंक देता है, क्योंकि हर डेटा की एक नहीं कई कॉपियां गूगल के इस भारी भरकम सेंटर में मौजूद होती हैं। ऐसे में गूगल में मोदी का दौरा क्या भारत के लिए भी नई कार्य संस्कृति सीखने का मौका बन सकता है?